पहले अरविंद केजरीवाल, फिर मनीष सिसोदिया और अब सत्येंद्र जैन। आम आदमी पार्टी के तिकड़ी एक एक कर जेल से बाहर आ गई है। शुक्रवार को 18 महीने बाद कोर्ट दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन पर मेहरबान हुई और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। लेकिन कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के आगे 3 शर्तें लगाई हैं। पहली शर्त ये कि सत्येंद्र जैन मामले से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे। दूसरी शर्त ये कि वो किसी भी तरह से मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे। तीसरी शर्त ये कि आप नेता को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा करने पर भी रोक रहेगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का ये फैसला काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर निर्भर था जिसके तहत मनीष सिसोदिया को जमानत दी गई थी, जिसमें मौलिक अधिकार के रूप में तुरंत सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया गया था। अदालत ने सुनवाई में देरी और सत्येंद्र जैन के लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला दिया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने के पीछे बड़ी वजह रही 18 महीने तक की लंबी कैद, ट्रायल शुरू होने में देरी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व। सत्येंद्र जैन की जमानत का प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से कड़ा विरोध किया गया, जिसके बाद मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा, सत्येंद्र जैन पहले ही हिरासत में काफी समय बिता चुके हैं और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं है, तो पूरा होने की तो बात ही छोड़िए। कोर्ट ने कहा, मनीष सिसोदिया मामले में निर्धारित मापदंडों के आधार पर सत्येंद्र जैन भी जमानत के हकदार हैं। मतलब ये कि इस बार आम आदमी पार्टी की दिवाली धूमधाम से मनने वाली है, लेकिन समय का चक्र देखिए, कभी राजधानी की सत्ता में बड़े पदों पर विराजने वाले इन तीनों दिग्गजों के पास अब किसी भी मंत्रालय की कुर्सी नहीं है।